लंबे समय से चेन्नई में अपना इलाज करा रहे झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो वापस रांची लौट आए हैं। रिम्स के दो डॉक्टरों की टीम चार्टर्ड विमान से उन्हें रांची लाई। रांची एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों काफ़ी भावुक हो गए। मंत्री फिलहाल रांची स्थित अपने नए सरकारी आवास में रहेंगे। इस आवास की तमाम व्यवस्था को भी सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री के आगमन के पूर्व खुद जाकर देखा। यहां तमाम चिकित्सा के उपकरण भी लगाए हुए हैं। सरकार के निर्देश पर रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजीत डुंगडुंग सोमवार को ही सुबह चार्टर्ड विमान से मंत्री को लाने चेन्नई गए थे। डॉक्टर ने वहाँ मंत्री की सघन जाँच की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होकर अपनी देखरेख में उन्हें विमान से वापस रांची लाए। बताए चले कि मंत्री पिछले साल सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर MGM चेन्नई के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम रांची बुलाई गई थी। इसके बाद टीम की सलाह पर मंत्री को 19 अक्टूबर को डॉक्टरों की देखरेख में एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया था। चेन्नई के MGM में मंत्री का कोरोना संक्रमण से खराब फेफड़े को ट्रांसप्लांट किया गया है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।